टीम इंडिया इन दिनों न्यूजीलैंड दौरे पर है, जहां न्यूजीलैंड के खिलाफ उसे दूसरे टेस्ट मैच में भी 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन अब इस हार को टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली के लिए पचाना शायद मुश्किल हो रहा है। 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 0-2 से गंवाने के बाद कोहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो एक पत्रकार के सवाल पर वो अचानक ही भड़क उठे और अपना आपा खो बैठे। दरअसल हुआ ये कि मैच के दूसरे दिन यानी कि रविवार को कीवी टीम के बल्लेबाज को आउट करने के बाद कोहली आक्रामकता के साथ इसका जश्न मना रहे थे। खबरों की माने तो कोहली दर्शकों की ओर इशारा कर अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। इसी के बाद जब मैच खत्म हुआ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने कोहली से इसी पर सवाल पूछ लिया। पत्रकार ने कोहली से कहा, विराट मैदान पर आपके व्यवहार पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, खासकर तब जब केन विलियमसन को आउट करने के बाद और दर्शकों की ओर इशारा करने के बाद, क्या आपको नहीं लगता कि आपको मैदान पर एक बेहतर उदाहरण स्थापित करना चाहिए? भारतीय कप्तान पत्रकार के इस सवाल पर गुस्से से लाल हो गए और उन्होंने पत्रकार को जवाब देते हुए कहा, मैं आपसे इसका जवाब पूछता हूं, आपको क्या लगता है? आपको ये अच्छी तरह पता लगाना चाहिए कि वहां क्या हुआ था, उसके बाद एक बेहतर सवाल के साथ आना चाहिए। मैंने मैच रेफरी से बात कर ली है, आप आधी जानकारी के साथ यहां नहीं आ सकते, धन्यवाद। वैसे दोस्तों ये पहला मौका नहीं है जब कोहली मैच हारने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह भड़के हों। इससे पहले वो साल 2018 में इंग्लैंड के खिलाफ 1-4 से टेस्ट सीरीज हारने के बाद भी पत्रकार के सवाल पर गुस्सा हो गए थे। हालांकि बता दें कि रन मशीन कहे जाने वाले कोहली की न्यूजीलैंड दौरे पर फॉर्म बेहद ही खराब रही है। वो पिछली 4 टेस्ट मैचों की पारियों में 50 का आंकड़ा भी पार नहीं कर सके हैं। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.